करती हूँ। थैंक यू। सॉरी, एक्सक्यूज मी। कौन? हाँ शंभू, बोलो, इतनी रात को क्यों कॉल किया? खबर देने के लिए। प्रीता पड़ोसी के घर से अपने घर की ओर जा रही है और मैं सोच रहा हूँ आज रात यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि कौन कब कहाँ किधर चला जाए किसी का कुछ पता नहीं, और जैसे ही सुबह होगी तो मैं आपका काम कर दूंगा। गुड, तुमने कहा काम हो जाएगा तो काम हो जाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। सुनो, सुबह जब निकलोगे तो मुझे एक कॉल करना, ओके? इन्फॉर्म करना कि प्रीता का काम तमाम हो गया है। मुझे इसके बाद प्रीता अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहिए, समझ गए? आपका काम हो जाएगा। चले जाएंगे? क्यों? आप इतने बड़े मिस्टर लूथरा हमारे इतने छोटे से घर में आए तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमें भी खातिरदारी का मौका दीजिए। अरे कम से कम कुछ नहीं तो चाय शाय तो पी के जाइए, ताकि हमें भी बड़ा बनने का मौका मिले। हम भी अपने पड़ोसियों से कैसे कहना जी कि दो करण लूथरा हमारे घर आए थे। आपको पता है जी, मेरी ही बेटी शनाया बहुत ही सोड़ी बिटिया रानी है। जी, जी, जी। चाय शाय ऐसे बनाती है जैसे उसके हाथ में एकदम जादू हो। जादू? शनाया जाओ चाय बना कर लाओ इनके लिए। है तो मॉम को क्या हो गया? अचानक मेरी इतनी तारीफ और मेरे हाथों में जादू, ये कब से आ गया कि मुझे ही पता ना चला? और मैंने कब से चाय बनानी शुरू कर दी? अरे नहीं नहीं, चाय मैं अगली बार आऊंगा तब पी लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। तो ठीक है मिस्टर लूथरा, एक वादा कीजिए, ये चाय आपके ऊपर उधार रही। बिल्कुल 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 उधार रही। मैं वापस आऊंगा। एक मिनट, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता। जी जी, चलिए, नमस्ते। ओके ओके ओके, बाय। क्या बात है माँ, आपने मुझे बताया नहीं कि शनाया बहुत अच्छी चाय बनाती है। तू कब से स्वादिष्ट चाय बनाने लगी? हॉस्टल में सीखा? तो जाती है चाय बनाना? नहीं आती चाय बनानी? नहीं आती? तुझे तो आती है ना, तू चाय बना, जा चाय बना के ला। पिएगी? जापानीज क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मुझसे पूछ रहे कि क्या पहनना चाहिए, तो मुझे तो खुद ही नहीं पता कि क्या पहनना चाहिए। सुनो ना, डिसाइड करो, बताओ क्या पहनना। नहीं नहीं ऋषभ, निधि तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से जा रही थी ना, तो अपने काम से जाओ। आई मैनेज, मैं डिसाइड खुद कर लूंगा। ओके, तू अकेला सॉक्स भी मैनेज नहीं कर सकता, तू सूट मैनेज करेगा, हो गया तेरा मैनेजमेंट। सुनो एक काम करो, तुम इधर आओ निधि, तुम डिसाइड करो कि क्या पहनना चाहिए। मेरी बात सुन, मैं मैनेज कर लूंगा अपने आप। मेरे भाई मैं देख लूंगा इसमें से क्या पहनना, देख कितनी चॉइसेस हैं, पहन लूंगा मैं। हम हो रहे हैं लेट, आ जा रहे हैं जापानीज क्लाइंट, आई डोंट वांट टू बी लेट एट वर्क। इसको निधि तुम जल्दी सुनो, जल्दी आओ, जल्दी। निधि नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मैनेज कर रहा हूं ना। भैया प्लीज, आप लोग आगे मत करो, मैं हेल्प करती हूं। अच्छा, पहली बार करण के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, ये तो छोड़ूंगी नहीं, ये तो मैं करके रहूंगी। निधि रुक जाओ, ये वार्डरोब मेरा है, यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सब मेरे हैं, मैं उन्हें पहन चुका हूँ, मेरे फेवरेट कपड़े हैं, तभी मेरे वार्डरोब में। और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज मेरी फेवरेट नहीं होती ना, मैं उसे अपने पास नहीं रखता। लो, फोन भी आ गया। हाँ काव्या, बोलो। अब पलकी तुम घर से निकल गई? हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आई नो आज बहुत लेट हो गया, जनरली ऐसा होता नहीं, बट आई एम रियली सॉरी। अरे यार ये रॉन्ग है। क्या हुआ? तुम बिना हर बात पे सॉरी बोल देती हो, मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि घर से निकली कि नहीं, अब इतना सॉरी बोलने की क्या बात है? थोड़ा लेट भी हो सकता है, कोई बात नहीं। थैंक यू काव्या, तुम बहुत स्वीट हो, बट वो क्या है ना कि मुझे ना लेट होना पसंद नहीं है, क्योंकि लेट होना मतलब दूसरों का टाइम वेस्ट करना, और मुझे दूसरों के टाइम की डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मैं बस पहुंच ही रही हूँ, डोंट वरी। मेरा बैग कहाँ है? बस 5 मिनट काव्या। अब क्या कर रही है? अबे तुझे क्या हुआ,
इतनी जल्दी में क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी फ्लाइट छूट रही हो क्या? शनाया मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरा बैग देखा है तूने? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ हाँ मुझे पता है, यहाँ भूल गई थी हमारे घर कल। सो सॉरी, मैं भी ना। देखा कितनी बड़ी भुलक्कड़ है ये पलकी, और ऊपर से मुझसे पूछ रहे कि मेरा बैग कहाँ है जबकि तुम्हारे घर छोड़कर आए। देखो दिमाग देखो इसका। हाय शनाया कैसी हो? आई एम द बेस्ट, तुम कैसी हो? ओह माय गॉड, मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारी और शौर्य की बातें ना बिल्कुल एक जैसी है। बहुत सेम हो यार तुम दोनों। कहाँ जा रही हो? बोलो निधि। वो एक्चुअली कुछ काम है तो वो पूरा करने जाना है, तो जाना है बस। हाँ मैं सूट सेलेक्ट कर चुकी। अरे मैं कह रहा था कि गाड़ी लेके जा रही है? नहीं वो मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई है सर्विस के लिए, तो अगर तुम गाड़ी यूज नहीं कर रही हो तो मुझे लगा कि तुम तो कहीं जा नहीं रही हो तो तुम्हारी गाड़ी मैं ले जाता हूँ। लेकिन अगर तुम जा रही हो तो तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं डैड की गाड़ी ले लूँगा। डैड की गाड़ी इज कम्फर्टेबल टू मी, तो ठीक है तुम जाओ, मैनेज कर लूंगा। सो हाँ हाँ प्लीज प्लीज, लेट हो रहा है। क्या किया तुमने? तुझसे कहा था ना सूट सिलेक्ट करने के लिए, वो काम से जा रही थी, उसको अंदर क्यों इन्वॉल्व कर लिया? ये पासिंग द पार्सल चल रहा है क्या यहाँ पर? तुझसे कहा था ना मैंने? यार करण तू ना बहुत गुस्सा करता है यार। सुन लड़के ना डिसाइड नहीं कर पाते, अगर मैंने लड़की का सजेशन ले लिया कौन सी आफत आ गई? बोला तुझसे था ना। अरे तो मैंने उसको पूछ दिया तो क्यों इन्वॉल्व किया उसको? अरे कर ली तो क्या गलत है? इतना गुस्सा करने की जरूरत आ गई है? मैं ये चाहता कि इसकी सिलेक्ट किया हुआ कपड़ा मैं पहनूं। क्यों पहनूं मैं तेरा सिलेक्ट किया हुआ कपड़ा? आई थिंक This is classy and this is smart. Okay. कौन सा पहनोगे? अच्छा मैं एक सवाल पूछूं तुमसे कि अगर हमें ही डिसाइड करना है कि क्या पहनना है तो फिर हम पहले ही कर लेते हैं, तो फिर हम तुमसे क्यों पूछते? क्या है ना कि ये और ज्यादा मुश्किल हो गया। Now you have to make the selection between the selected. This is even tougher. तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम डिसाइड करो कि क्या अच्छा लगेगा। Cool. तुम्हें ये पहनना चाहिए। पानी दूं? नहीं नहीं ये वाला। गुड, वेरी गुड, दिस वन इज गुड, बहुत बढ़िया ये। लेकिन ये कैसा लगेगा? दिस इज बेटर। बस नहीं एक एक बात बता, ये कैसा तो कैसा लगा? हाँ ये करण मैंने जो सिलेक्ट किया है तुम्हें वही पहनना चाहिए। वैसे एक बात बताओ निधि, हम दोनों तो जानते हैं कि फैशन में हमारी नॉलेज ना बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हम हर रोज कंफ्यूज रहते हैं अपने वार्डरोब खोल के कि आज क्या पहने आज क्या ना पहने। हमारी तो लिमिटेड है, लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारी नॉलेज ना फैशन में बिल्कुल ही गई गुजरी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर मैंने कितनी बार मना किया मैंने आपको राजवीर को कि मुंबई मत जाओ मत जाओ, आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। आपने भी राजवीर का साथ दिया। कितनी बार एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को कि मुंबई मुंबई हमारा शहर नहीं है। अरे अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी कामशेदपुर में, क्यों आना था मुंबई आपको? इस शहर में हमें तकलीफों के अलावा दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया। ये मुंबई सिर्फ कुछ ही लोगों को अपना बनाती है, और उन कुछ लोगों में से हम वो लोग नहीं है जी। आपको तो याद भी नहीं है इस मुंबई शहर ने हमसे क्या कुछ नहीं छीना है। आपसे तो मैं नाराज भी नहीं रह सकती। भगवान जी एक ऐसी परीक्षा ले रहा है तू, क्यों कर रहा है तू मेरे दी के साथ ऐसा? मेरे दी ने क्या गलती की है? किस बात की सजा दे रहा है तू उन्हें?
जब से दी मुंबई आई है, हादसे पे हादसे, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, अरे किसकी दुश्मनी है आप? दुश्मन तो है आपके भी, फिर भी पता कैसे चले कि किसने क्या किया है? ये गुत्थी कब सुलझेगी? भगवान जी, प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है तू मेरी? मैं क्या करूं? जितनी बार मना करती हूँ कि मत जाओ, फिर भी मुंबई आना होता है। अब देखा ना जी क्या हो गया, जब से आए हो तब से कोई ना कोई आपके जान के पीछे पड़ा है। पर ऐसा क्या किया मेरे धीरे भगवान जी, जो उनके साथ ये सब हो रहा है? बस थी, अब बहुत हो गया। अब अगर मैंने कहा कि मुंबई छोड़ के कामशेदपुर जाना है तो आपको चलना होगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। और ऑफिस और घर में बहुत डिफरेंस होता है। अगर ऑफिस में एक लड़का और लड़की साथ दिख जाए, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो इसके बाद अगर ऑफिस आना होना तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? Yeah, I'm so sorry. एक्चुअली मैं यहाँ पास से गुजर रही थी ना, तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं, बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस मैं कॉल करके आऊंगी। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। शना, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी, आई विल मैनेज। नहीं, नो स्ट्रेस। एक्चुअली मुझे लूथरा हाउस जाना है, वहां पर महेश दादा जी ने महेश सर ने मुझे बुलाया किसी काम से। शौर्या, This is nice to meet you. अब मैं और राजवीर हम लोग जा रहे थे, वो क्या है ना, राजवीर को बाहर जाना था किसी काम से, तो कहने लगा कि वो मुझे भी ड्रॉप करेगा। भाई वो मेरी इतनी केयर करता ना, मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता है। बट anyway, तो ऑफिस के सारे काम बाद में। हाँ ओके, ये सब तुम इसे क्यों बता रही हो? अरे ताकि मिस्टर एटीट्यूड तुम पे गुस्सा ना करे, सबको ये ना बोले कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये इसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए या हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके चल। ओके, आज मैं घर पर ही हूँ। नहीं, आज नहीं आ रहा, ऑफिस नहीं आऊंगा। राजवीर को बुलाया मैंने, मैं एक बार डिटेल ले लूँ उससे, उसके बाद मैं तुझे कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ लगता आ गया। अरे यार, गुड मॉर्निंग। अच्छा मैं कॉल करता हूँ तुम्हें थोड़ी देर बाद। ओके बाय। सर कॉफी। तुम कैसे आई? सॉरी, मैं तो दादी के लिए आई हूँ अंकल। क्यों, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं राजवीर का इंतजार कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो आया है, तो वो नहीं दिखा, तुम दिखी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। क्या ना, स्ट्रेस बहुत है काम का मुझे, तो राजवीर थोड़ा समझता है चीजों को, और वो मुझे यकीन है कि वो हैंडल कर लेगा, इसलिए मैंने उसे हैंडल करने के लिए बुलाया। ओके महेश अंकल, कल ना मैं घर आ जाऊँ, मतलब घर थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी, दादी को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेकर जाने, तो आप भी हमारे साथ चलना। मैं? क्यों? Why? आप? क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, आपको बहुत सारा स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस ना बहुत बेकार चीज होती है, इसी से बीमारियां होती है। ये प्रॉब्लम ही हर टेंशन की जड़ होती है, और मैं देख सकती हूँ कि स्ट्रेस की वजह से ना आप इतने अनफिट हो। मैं अनफिट हूँ? अरे कैसे? आप राजवीर आगे आ जा बेटा, आ जा। कहाँ फंसा दिया मुझे, मतलब कौन है ये, कहाँ से आई है, हा? मतलब इतने बड़े आदमी को ये पिज्जी का शोरबा डांट रहा है, मतलब पिज्जी का शोरबा? तुमने इन्हें डांटा? हाँ डांटा, तो क्या हुआ? वैसे तुम कैसे हो? इन दोनों के बीच कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच, कुछ दोस्ती जैसी, कुछ अपने जैसी। मेरा मतलब तुम कैसे हो यार? तुम इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता महेश अंकल को इतना सारा स्ट्रेस है? इन्हें ना दुनिया भर का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, रिश्तेदारों का स्ट्रेस, रिश्तेदारी निभाने का स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस से ही ना बीमारियां फैलती है,
तो मैं बस इन्हें यही कह रही थी कि कल सुबह ना आप मेरे साथ वॉक पर चलिए जब मैं दादी को लेकर जाऊंगी। वॉक पर चलेंगे, सुबह की धूप मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी। लेकिन नहीं, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। और आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे दादी ने बताया कि आपको है ना ब्लड शुगर है। अरे बस 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 बस, ये जो घोड़े दौड़ा रही है उनको रोको यार। मतलब क्या राजधानी एक्सप्रेस की तरफ बढ़ती चली जा रही हो? मैंने हार मान ली, मैं ना अपना पूरा ध्यान रखूंगा मैडम, और मैं कल से सब डाइट भी कंट्रोल में लूंगा, और आपके साथ जो अभी आपने कहा ना मॉर्निंग वॉक पे भी जाऊंगा, तुम्हारे साथ और माँ के साथ दोनों के साथ मैं जाऊंगा। लेकिन इस वक्त जिस काम के लिए मैंने इसे बुलाया है, मैं वो काम करूँ, जरूरी काम। हाँ दादी, क्या हुआ? ये मेरे हाथ लगा। म्यूजिक, आप डांस कर रहे थे? हाँ। आपने डांस क्यों किया दादी? आराम, एक मुझे देखने दो, मैं निकालती हूँ। गॉड दादी, ये तो कितनी ज्यादा स्वेलिंग आई है। दादी आपको पता है आपके घुटनों में दर्द है, फिर भी आप डांस कर रही है। गिरीश भैया, राखी आंटी, करीना बुआ, प्लीज जल्दी आइए। दादी मुझे तो ये फ्रैक्चर जैसा लग रहा है। मॉम, ओ मॉम क्या हो गया? बल्कि मम्मी जी, क्या बात हो गई? दादी गिर गए। गिर गए तो कैसे? डांस करते करते इनका पैर ट्विस्ट हो गया, और ये नॉर्मल स्वेलिंग नहीं, मुझे तो फ्रैक्चर लग रहा है। नहीं, नहीं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। व्हीलचेयर है घर पर? हाँ, वो महिषी की व्हीलचेयर, शायद वो शोरूम में होगी। बेटा जाओ, गिरीश से जाके पूछ लो। ओके ओके, मैं अभी लेकर आई हूँ व्हीलचेयर। दादी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मॉम? चल नहीं सकती ठीक से, डांस करने की क्या जरूरत थी? अरे इतना दर्द हो रहा है, अब भी डांटेगी मुझे। करीना दी, प्लीज शांत हो जाइए, मैं करण को फोन करके बता देती हूँ। हाँ भाभी, करण से कहिए यहाँ आ जाए। क्या बताया था रूम नंबर? मॉम, आई एम सो सॉरी, मैं रूम नंबर भूल गया, थैंक यू। अरे यार, रूम नंबर कैसे भूल गया मैं? हेलो हेलो मॉम, क्या रूम नंबर बताया था? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं और हॉस्पिटल कॉरिडोर में हूं। डॉक्टर सुरेश की कैबिन का नंबर है रूम नंबर 6। हम बस उनके कैबिन के थोड़ा आगे खड़े हैं, नियर रूम नंबर 5। ओके, रूम नंबर 5 के आगे रूम नंबर 6। ओके ओके मॉम, मैं पहुंचता हूं। ओके ओके, तो ये सुन के सामने खड़े होके मैं रूम नंबर ढूंढ रहा हूँ। प्लीज, व्हाट हैपेंड? तू इतनी टेंशन में क्यों है? टेंस नहीं लगूं तो और क्या करूं? पूरी लूथरा फैमिली आ गई है यहाँ पे। व्हाट? मतलब सबको प्रीता के बारे में पता चल गया और वो उसे मिलने यहाँ आए हैं? कभी तो शुभ शुभ बोला कर। अरे नहीं, घर में वो है ना दादी अम्मा, कहीं लुढ़क गई होगी, उसको लेकर आए हैं यहाँ पे। मतलब पूरे शहर में उनको यही हॉस्पिटल मिला था, और कहीं नहीं जा सकते थे? और वो बुढ़िया शांति से घर में नहीं बैठ सकती क्या? इधर से उधर, उधर से उधर घूमती रहती है, एक्सपायरी डेट के पास है लेकिन फिर भी घूमते रहना है उसको। मतलब पता है पूरा टाइम डर लगा रहेगा कि कहीं कोई देख ना ले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे शांति से ये लोग जीने नहीं देंगे क्या मुझे? पता नहीं कौन से चरम की दुश्मनी है मुझसे। कितना सोच रही है तू? सोचना बंद कर, एक दिन ना सोच के पागल हो जाएगी तू। देख, हमने डिटेक्टिव हायर किया है ना उस प्रीता को ठिकाने लगाने के लिए, वो अपना काम कर लेगा। जस्ट रिलैक्स, कॉफी पी। क्या ही बोलूं मैं इसे? इसे हमेशा डांटती थी कि दी का ख्याल रखना, और मैं ही दी का नहीं ख्याल रख पाई।
हेलो बेटा। सृष्टिमा आप लोग कहाँ पर है? वो गुरप्रीत आंटी से पूछा, उन्होंने बताया कि आप लोग मार्केट में, तो मैं मार्केट में ढूंढने आया आप लोग को, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ है आप सब, ठीक है ना? वो हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्यों है आप लोग? वो दियोर में मार्केट गए थे सब्जियां खरीदने, और इतने में एक गाड़ी जोर से आई और सब कुछ अचानक से हो गया, समझ में नहीं आया। मैं एक सेकंड, सुषमा मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या है, आप लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? प्रीता दी, हाँ ठीक है ना बेटा, दी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ, वो दी, मैं दी को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, हम अभी यहीं पर है बेटा। सृष्टि माँ आप मुझे अभी बता रहे हैं? माँ ठीक है ना? माँ को ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? सृष्टि माँ मुझे बताइए क्या आप साफ साफ बताइए, माँ ठीक है ना? बेटा वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन हॉस्पिटल में ही है, अंदर आईसीयू में ही है। हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में आप? सिटी हॉस्पिटल। मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी जगह तू थी ना, तो तू तो अभी यहाँ पे तांडव कर रही होती। You can't even understand मुझ पे क्या बीत रही है। I mean, मेरा दम घुट रहा है, बेचैनी हो रही है, पूरा टाइम एक डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, एक पल को शांति नहीं मिलती है मुझे। I just can't believe, क्या है उस लड़की में, क्या है ऐसा? ना कोई क्लास है, ना फैशन सेंस, ना लाइफस्टाइल है। हर किसी अमीर लड़के को मिलने का दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं है, ना ही चेहरे पे वो स्माइल जो किसी को फिदा कर दे। क्या दिखा कर उनको उसने? करण, करण उसके जादू में कैसे पागल हो गया, कैसे उसके प्यार में पड़ गया? I really don't understand. मतलब एक वो नॉर्मल फैमिली की नॉर्मल लड़की है, वो 10,000 रुपए पार्लर में भी खर्चा नहीं कर सकती है। Look at me. मैंने क्योर कराती हूँ, पेडिक्योर कराती हूँ, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स यूज करती हूँ, बॉडी लोशंस, बॉडी मिस्ट, कॉस्मेटिक्स, व्हाट नॉट, लेकिन फिर भी करण कभी मेरे पास ही नहीं आया। उसने उस नजर से मुझे कभी देखा ही नहीं। Anyways, अभी डिटेक्टिव कहाँ रह गया? रिलैक्स, आ जाएगा। कहाँ रह गए थे तुम? इतना टाइम लगता है कि अब तुम भी वेट कराओगे? सॉरी मैडम, बट प्लीज काम डाउन, आपको अपने काम से मतलब है ना? मैं आपका अधूरा काम पूरा करने के लिए आया हूँ। रूम नंबर कौन सा? रूम नंबर 5। निधि की आवाज, रूम नंबर। एक मिनट, हेलो हेलो, रूम नंबर 5। ये तो मेरे दी का रूम नंबर है ना? किसे बता रही तुम? ये तुमने किसको इन्फॉर्म कर रही थी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम मेरे दी को चोट पहुंचाने का मेरे दी को मरवाना तो नहीं चाहती तू? निधि, अरे नक्कटी डायन, माइंड योर लैंग्वेज, यू माइंड योर क्राइम। बहुत तमीज से पेश आ रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल है, जो भी तुम्हारे दिमाग में फितूर चल रहा है ना, उस पर फुल स्टॉप लगा दो। जब से तुम्हें पता चला है कि मेरी फैमिली मुंबई आ चुकी है, राजवीर यहाँ पर है, प्रीता दी यहाँ पर है, तब से उन लोगों के साथ कोई ना कोई हादसा तो हो ही रहा है। कहीं ये सब हादसों के पीछे तुम तो नहीं? बड़ी सख्त जान है, मरने का नाम ही नहीं लेते। कोई बात नहीं, यह है जहर, यह है मौत का परवाना। और इसका असर 5 मिनट में तुम्हारी सांसें खत्म से खत्म, तुम्हारी सांसें खत्म से खत्म, तो मेरा काम भी खत्म।
एक्सक्यूज मी, सुनिए यहाँ पर एक एक्सीडेंट का केस आया, उनका नाम प्रीता अरोरा है, वो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? उन्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? उन्हें चोट तो नहीं लगी है ना? आप उनकी कौन लगते हैं? मैं उनका बेटा हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है। वो एक्चुअली रूम नंबर 5। ओके थैंक यू। सो सॉरी। अगर तूने डिसाइड किया कि तू कामशेदपुर जाएगा तो दी हमारे साथ चलेगी, और अगर तू डिसाइड किया कि तू यहाँ पे, बता क्या चाहता है? मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, सब कुछ मेरी गलती है। क्यों आया मैं इस शहर में? इस शहर ने सब कुछ लूट लिया, उसके बाद भी मैं यहाँ आया। सृष्टि माँ ने बिल्कुल सही कहा था, ये शहर बिल्कुल रास नहीं आया है हमने। माँ कहाँ है? दर्द में होगी, सब कुछ मेरी वजह से हो गया। बस सब एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ नो, भाग सृष्टि, भाग सृष्टि। ये क्या था? मैराथन रेस? नो, इट्स अ डिफरेंट केस, जस्ट अ मेस। हाँ, ये सृष्टि अभी तक मेरी नाक काटने की बात कर रही थी और करण की आवाज सुन के खुद मुंह छुपा के भाग गई। सीरियसली यार, उसने तो यू टर्न ही ले लिया, और ऐसा यू टर्न। मुंह क्यों मोड़ रहे हो? कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें, और तुम और अभिनव तुम मन से नहीं रुकी हो, आगे रास्ता बंद हो गया इसलिए रुकी हो ना? क्या हो गया तुम्हें सृष्टि है? अरे कैसी हो तुम सृष्टि, कितने सालों बाद। एक मिनट, कौन है आप? सृष्टि तुम मुझसे पूछ रही हो, कौन हूं मैं? क्या हो गया तुम्हें सृष्टि, तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो? मैं सृष्टि, मैं करण लूथरा, तुम्हारा करण जीजू। अरे तुमने ओ गॉड, आप समझा, मैं अब समझा कि मैं तुम्हें तब से आवाज लगा रहा हूं, तुम मुझे मैं ऐसा लगा रहा हूं कोई लफंडर, कोई पागल तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम नहीं रुक रही हो, है ना? तो मेरे चेहरे की वजह से मुझे नहीं पहचान पाई ना? मैं भी कितना पागल हूं ना सृष्टि, कैसे समझाऊं तुम्हें? मैम रिश्ता पुराना है, लेकिन ये चेहरा पुराना नहीं है। नाम वही है, लेकिन ये चेहरा बदल गया है। तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत कुछ हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरा फेस डैमेज हो गया, डॉक्टर को प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, मेरा चेहरा बदलना पड़ा, लेकिन वो सब बातें छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों गए कहां पर थे? तुम और प्रीता को मैंने कितना ढूंढा, किस मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी मतलब सृष्टि, मैं करण लूथरा, क्या हो गया तुम्हें? अरे रिश्ता है हमारा, नाता है, क्या क्या हुआ तुम्हें? I'm sorry, I don't believe you. मुझे आप पे विश्वास नहीं है। निलेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो सर, सर वो मेरी सिस्टर यहाँ एडमिटेड है सर, इसीलिए आपका काम देरी से हो रहा है। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिटेड है। आई एम सो सॉरी। तो ठीक है, एक बार हालचाल पूछ लेता हूँ मैं। नहीं सर, वो एक्चुअली आप उन्हें नहीं देख सकते। क्यों? सर वो एक हादसे से गुजर रही है सर, उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया है, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे देखे। उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कोई भी उसका चेहरा देखता है तो वो अपनी जान ले लेगी। सो सॉरी यार। इसीलिए सर आपके आते ही उसने अपने मुंह में वो कपड़ा डाल दिया।
निलेश, I totally understand this. अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज मुझे बता देना या मुझे कॉल कर देना. Okay? मेरा काम याद है ना तुम्हें? हाँ सर. प्रीता को ढूंढना है, जल्दी ढूंढना है. देखो, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी बहन यहाँ पर एडमिट है और मैं तुम्हें अपने काम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन प्रीता को ढूंढना ना बहुत जरूरी है. एंड आई एम श्योर तुम्हारी बहन जल्दी ठीक हो जाएगी. ओके, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है.